हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय किचन। अभी मैं बना रही हूँ एग नूडल्स विथ वेजीज। एग को स्क्रम्बल करके रख दी हूँ और लॉट्स ऑफ वेजीज कट कर दिया, जैसे बेल पेपर्स, कैप्सिकम, ऑनियंस एंड ऑल। सो इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें बहुत, ये मुझे सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए बनानी है। बहुत टेस्टी है नूडल्स। इसको मैं हेल्दी वे में बनाऊंगी, बहुत कम ऑयल यूज़ करके। और वेजिटेबल को मैं सॉटे कर रही हूँ और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉस, उसको चटपटा बनाने के लिए। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा सॉस भी अच्छा नहीं लगता है। और इसको थोड़ा सा तीखापन देने के लिए थोड़ा क्रॉस्ड ब्लैक पेपर भी इसमें यूज करूंगी। आदित्य में दोनों को नूडल्स बहुत पसंद है। एक्चुअली इसमें मैं ज़्यादा कुछ सोया सॉस, विनेगर, ये सब नहीं डालूंगी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जैसे हेल्दी होगा, न्यूट्रिशियस होगा एंड टेस्टी होगा, वो मैं चाहती हूँ। इसीलिए आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, मैंने नूडल्स को बॉयल करके रखी थी, वेजीज के साथ नूडल्स मैंने मिक्स कर दिया। और नूडल को अच्छा से मिक्स होने के लिए हमको दो, मैंने 1.5 मिनट से 2 मिनट्स टाइम लगेगा। हाई फ्लेम में मैं इसको कुक कर रही हूँ और नूडल्स जब तक वेजीज में मिक्स हो जाएगा प्रॉपरली, तब मैं डालूँगी जो एग स्क्रम्बल करके मैं रखी थी। स्क्रम्बल्ड एग बोलिए, बस जो भी बोलिए। अभी मेरा गर्मा गर्म एग नूडल्स विथ वेजीज रेडी है। Are you dreaming? सोनो, नींद आ रही है? नींद आ रही है? हाँ, कितने मजा में सो रहा है बेटा। अच्छा लगा? कोजी कोजी लगा? ओ, वेदर इतना ठंडा है, मैं तो मजा ले रहा हूँ। नहीं स्पार्कल, स्पार्कल, ओ स्पार्कल, ओ मजा लग रहा है। ओके है, देखो भैया भी आ गया। किट्टू क्या, देखो स्पार्कल क्या कर रहा है। स्पार्कल मजे में बैठ रहा है। देखो, बैठ जाओ, गुड बॉय होके बैठ जाओ स्पार्कल के पास। बाय बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। आज आप लोगों को बैंगलोर का वेदर नहीं दिखा के रह नहीं पाई, थोड़ा बाहर निकली हूँ। आई होप मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। मेरा मन भी आज बहुत खुश हो रहा है बैंगलोर का वेदर को देख के। लास्ट 3-4 दिन से इतना ग्लूमी, इतना फालतू वेदर था कि घर से निकलना मुश्किल हो रहा था। थोड़ा सा वेदर अच्छा है, आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा सनी है आज वेदर। सो थोड़ा बाहर जा रही हूँ, कुछ काम है, और कहाँ जा रही हूँ वो आप लोग के लिए रिवील नहीं करूँगी। चलिए, मेरे साथ लेके जा रही हूँ आप लोगों को, हो सकता है तो क्लिप्स जरूर शेयर करूँगी कहाँ जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। चैनल सविताज क्रिएटिविटी, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ बैंगलोर में, और एक न्यू बैकग्राउंड से आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। अभी टाइम है 11। बैंगलोर को वेदर आप जब देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, पूरा क्लाउडी है एकदम, सनलाइट बहुत कम है, शाइन तो एकदम नहीं है। सो एक्चुअली मैंने अभी पेपर में पढ़ रही थी कि चेन्नई में 2 दिन के लिए लो प्रेशर है। सो चेन्नई बैंगलोर के पास में है जैसे आप लोगों को पता है, और उसका असर तो बैंगलोर में पड़ता रहता है। और बैंगलोर कल थोड़ा सा ब्यूटीफुल सनशाइन था, मैंने थोड़ा सा क्लिप ली थी आप लोगों के लिए।
काल गई थी बहुत एक अच्छी जगह में, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, बट क्यों गई थी आप लोगों को ये वीडियो में मैं बोल दूंगी और दिखाऊंगी भी क्या खरीदी। सो बहुत मज़ा लगा इतने दिन के बाद बाहर जाके, एक्चुअली सनशाइन के साथ थोड़ा सा धूप रहती तो एकदम एनर्जेटिक फील होता है। आज जैसे पूरा मुझे लेजी लेजी लग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों 10:30-11 बजे आती हूँ नीचे वॉक करने के लिए। देखिए ये हमारा सब सीटिंग अरेंजमेंट है हमारे कैंपस का। यहाँ पे इवनिंग को लोग बैठ के चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने सोचा ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा शूट किया जाए और आप लोगों को दिखाई दिया जाए कि कितना सुंदर है ये बैकग्राउंड। आप देख पा रहे हैं ना, बहुत सुंदर है। रात को यहाँ पे लाइट है, डिम लाइट है और लाइट जलता है और बहुत सुंदर लगता है इसका नज़ारा। सो कभी रात को आऊँगी तो आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करूँगा। एरोप्लेन का आवाज़ है, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं मेरे हाथ में मेरा मास्क है, आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ इसलिए मास्क उतार रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एक शॉपिंग दिखाऊंगी आपको यहाँ पे। आप लोगों को मैं बेकरार हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए एक्चुअली। सो चलिए ऊपर जाते हैं, टायर्ड भी लग रहा है, वॉक कम्प्लीट करके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे, कल मैंने ब्लॉग नहीं कर पाई और कल से बारिश है बैंगलोर में, पूछिए मत, पूरा लास्ट 48 आवर्स से कॉन्स्टेंटली बारिश हो रही है। शायद जैसे मैंने आप लोगों को बोली थी चेन्नई में लो प्रेशर है, सो चेन्नई में बहुत ज़्यादा से बारिश हो रही है तो इसका इम्पैक्ट थोड़ी बहुत यहाँ पे पड़ा है मुझे जो लग रहा है। और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, इतना आलसी, इतना लेजीनेस है कि बेड से उतरने का नाम नहीं करता ऐसा लगता है। मैंने कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे वेदर है कि आप मैं यहाँ पे बालकनी में खड़ी होकर बाहर को देख रही हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा जैसे मिस्ट भर जाता है ना वैसे ही नज़ारा है। आप लोगों को बैक कैमरा में एक बार दिखाऊंगी और क्या बोलूँ यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे ही ब्लॉग कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है, मेरा करने का मन नहीं कर रहा है बट करना तो पड़ेगा। सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आ जाऊँ ये में बालकोनी में, वहाँ पे खड़े होने से थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। सो सच में जैसे मैंने ऐसे वेदर में तो एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है और मेरा हालत देखिए, मैं कुछ नहीं करके जस्ट अभी लंच ख़त्म किए, हस्बैंड ऑफिस गए और किचन का काम निपटा के पूरा ठीक करके किचन अभी बाहर आई हूँ, जा रही हूँ थोड़ा सा आप लोग के लिए कुछ करूँ, करने का कोशिश तो करूँगी ही, देखते हैं ये ब्लॉग आज ख़त्म हो पा रहा है कि नहीं। नहीं हो पाएगा तो कल आएगा, आज और वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा, एक्सट्रीमली सॉरी बट बहुत डाउन लग रहा है इसलिए कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल बैंगलोर ऐसे दिख रहा है, आप लोगों को दिखा रही हूँ कैमरा में, ये है हमारे बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे जो मेन हाईवे है, इसको हुसूर रोड बोला जाता है। मैंने बालकनी में खड़ा होकर आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बैकग्राउंड में, पूरा जैसे धुआं जैसा लग रहा है, एकदम स्मोकी वेदर, मिस्टी वेदर जैसे होती है। और ये वेदर में ना इतना ठंड लग रही है कि कंबल के अंदर से बाहर आने का मन नहीं करता है। चलिए आप लोग के लिए तो इसको थोड़ा सा मैंने शूट किया आपको दिखाने के लिए कि बैंगलोर का हालत क्या है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम के बाद आप लोग के साथ मिल रही हूँ। अभी टाइम हुआ है 8:25 रात का, किचन का काम जस्ट फिनिश हुआ है और मैं हाथ मुंह धो के अभी आ गई हूँ। आप लोग बैकग्राउंड में कुछ नॉइज सुन पा रहे हैं, ये है बारिश का टिप 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 का आवाज़। सो ये जो पानी के बूंदे हैं, मेरे फ्लैट के नीचे जो फ्लैट है उनका एक्सटेंडेड बालकनी है जिसके ऊपर वो लोग एक शेड लगा के रखे हैं और उसके ऊपर पानी गिर रहा है, बारिश का पानी, बारिश के बूंदे और ऐसा आवाज़ कर रहा है। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ ये वेदर को लेके, ये आवाज़ को लेके, क्योंकि लास्ट 48 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है बेंगलोर में, जो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। और इतनी बुरी वेदर, इतनी बुरी इन द सेंस इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी हवा चल रहा है कि आप लोग बाहर जाने का नाम नहीं ले पाओगे, मतलब
ये बहुत अनयूजुअल वेदर है बैंगलोरियंस के लिए, पता नहीं क्यों लो प्रेशर, बेंगलोर में बारिश और यहाँ पे ये सब चीज़ उसको मिला के ये वेदर अजीब सा होके रखा है। और मैं आ गई हूँ एक खुशी का माहौल लेके आप लोगों के पास, आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने अभी अभी शॉपिंग की हूँ। सो ये है मेरा एक पेंडेंट और ईयरिंग जो मैंने खरीदी हूँ, कहाँ से, मेरा फेवरेट ज्वेलरी शॉप से, वो है मालाबार गोल्ड का। मालाबार गोल्ड ये रोज़ गोल्ड का है, रोज़ गोल्ड के ऊपर अमेरिकन डायमंड है, ये डायमंड नहीं है, अमेरिकन डायमंड है। सो ये वाला जो सेट है ईयरिंग और पेंडेंट का, मुझे बहुत दिन से मन था थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टडी कुछ लूँ जिसको मैंने रेगुलर यूज़ कर पाऊँगी। और ये जो कान का स्टॉट्स एंड ये जो मेरा पेंडेंट है, ये तीनों को मिला के ये जो सेट है, ये सेट था 9.5 ग्राम्स का है। और आप लोगों को मैं आज का गोल्ड का प्राइस अभी का बता देती हूँ। गोल्ड प्राइस अभी है 4500 फॉर ग्राम्स बैंगलोर में 22 कैरेट का। सो आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा एक शौक है गोल्ड ज्वेलरी खरीदना, मैं ज़्यादा भारी ज्वेलरी नहीं खरीदती हूँ, बट बीच बीच में मेरे जो कुछ क्या बोलूँ, कुछ रख के पैसा, उसको मैं मेरा छोटा छोटा ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती हूँ। बट मेरे हस्बैंड को तो एकदम पसंद नहीं है, आप लोगों को पता है, बट क्या करें, मैं करती हूँ, बीच बीच में करती रहती हूँ। और एक चीज़ है कि मैं जो छोटी छोटी ज्वेलरी यूज़ करती हूँ, बहुत दिन पहले जिसको यूज़ करती थी, जो अभी करने का लायक नहीं है या करने का मन नहीं करता है, उसको मैं एक्सचेंज कर देती हूँ। और वही मालाबार गोल्ड का मेरा मैक्सिमम ज्वेलरी है, तो एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बता दूं आपको, जैसे मालाबार गोल्ड गोल्ड एक्सचेंज में 100% गोल्ड एक्सचेंज करता है, जो आप लूज़ करते हो वो है आप लोगों का मेकिंग चार्ज, एंड जो वेस्टेज परसेंटेज वो होता है ना, जब हम कोई ज्वेलरी खरीदते हैं गोल्ड का जो प्राइस है उसको छोड़ के बाकी हम लोगों को देना पड़ता है मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज पर ग्राम इज़ क्वाइट ए बिट हाई हियर बेंगलोर में। और उसके साथ साथ आप लोगों को कभी कभी क्या होता है ना, पूरा जो प्राइस का 25% हम लोग को देना पड़ता है मेकिंग चार्ज में। मशीन कट जो डिज़ाइन है उसमें मेकिंग चार्ज बहुत हाई रहता है, जो मैनुअल डिज़ाइन है उसमें मेकिंग चार्ज थोड़ा सा लो रहता है। सो मैंने आप लोगों को जब कोई चीज़ रिटर्न हम करते हैं इस उसमें कोई जिरकोन या अमेरिकन डायमंड यूज होता है, तो जब हम खरीदते हैं उसका प्राइस हम देते हैं, जब हम उसको रिटर्न करते हैं वो प्राइस का वैल्यू कुछ नहीं रहता, वो जीरो हो जाता है। जितना भी गोल्ड वहाँ पे यूज होता है वो गोल्ड पूरा 100% रिटर्न होता है। सपोज एक ज्वेलरी में 5 ग्राम्स गोल्ड है, 10 ग्राम्स गोल्ड है, वो गोल्ड पूरा एक्सचेंज हो जाता है। आप 10 ग्राम्स का और एक ज्वेलरी खरीद सकते हैं, बट क्या आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो यहाँ पे लूज किए हम लोग 10 ग्राम्स, सपोज मैं एक चेन का बात कर रही हूँ, चेन का 10 ग्राम्स को गोल्ड का जो प्राइस है आज के डेट में 45,000 है, उसका 25% मेकिंग चार्ज में मैं सपोज दी थी, सो ये हो गया हमारा लगभग 11,000। सो 45,000 का 25% 1/4, सो वो पूरा हम लोग को लूज़ करना पड़ता है। फिर जो नया ज्वेलरी खरीदते हैं उसका भी मेकिंग चार्ज और उसका वेस्टेज GST को मिला के फिर पैसा देना पड़ता है। वही होता है प्रॉब्लम जब आप ज्वेलरी एक्सचेंज करते हैं। बट मैं करती हूँ कभी कभी, क्या होता है ना, मैं जैसे पतला वाला बहुत चीज़ यूज़ करना पसंद करती हूँ, जो फैशन ज्वेलरी टाइप का चीज़, जो ज़्यादा भारी नहीं है, कोई ट्रेडिशनल डिजाइन का नहीं है। जैसे बहुत लोग पसंद करते हैं एक ही चेन पहनेंगे, मोटा सा पहनेंगे, बहुत दिन लास्टिंग करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। ईयरिंग पहनेंगे बहुत स्टडी सा, बहुत हैवी वाला, उसको बहुत दिन पहनते हैं, क्योंकि किस किस को लगता है कि एक भारी वाला ले लो, उसका लॉन्जिविटी बहुत दिन रहेगा और वो ख़राब नहीं होगा, तो आप उसको पहनते रहना। मेरा, जैसे मैंने आप लोगों को बोली, मेरा थोड़ा सा आइडिया अलग है, सो इसलिए कुछ प्रॉब्लम भी होता है, बट मैं करती हूँ बीच बीच में। जो आप लोगों को कल बताई मैं बाहर गई थी, वहाँ से मैंने खरीदी और एक ज्वेलरी जो आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। आप लोग मुझे बताना ये कैसा है, ये एक
मंगलसूत्र में खरीदी हूँ, आप लोगों को पास में से दिखा रही हूँ। देखिए ये जो ब्लैक बीड्स का चेन है, ये चेन पहले से मेरे पास था, मैंने ये जो सेंटर लकेट है इसको खरीदी और उसको वो बीड का चेन में, जो ब्लैक बीड्स का चेन में अटैच कर दी। ये ब्लैक बीड्स भी मलाबार गोल्ड का है, पहले से ख़रीदा हुआ है और रखी थी मैंने। सो ये सेंटर लकेट इसमें मैंने अटैच कर दी। और ये जो है ये डायमंड का नहीं है, ये गोल्ड के साथ अमेरिकन डायमंड का काम है। और इसका जो टोटल वेट है, चेन का वेट मेरा था 4 ग्राम्स, और वो जो लॉकेट का जो वेट है वो है 4.5 ग्राम्स। सो टोटल जो 4.5 ग्राम्स उसका मेकिंग चार्ज सब कुछ को मिला के ये मुझे लगभग पड़ा है, कितना दिया मैंने बिल अंदर है, आप लोगों को निकाल कर दिखाऊंगी हो सकता है तो, बट वेट उतना ही है। और कल का जो प्राइस था गोल्ड का वो था 4,500 पर ग्राम्स, यानी कि 45,010 ग्राम्स के लिए। और एक बहुत सुंदर सा चीज़ मैंने खरीदी हूँ जो मुझे बहुत पसंद आया है, वो है ये वाला पेंडेंट। ये प्योर गोल्ड का है, इसमें कोई स्टोन वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सुंदर सा पेंडेंट मैंने खरीदे हूँ क्योंकि चेन में पेंडेंट चेंज करके पहनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे पास प्योर गोल्ड, ऐसे प्योर गोल्ड का ज्वेलरी बहुत कम है क्योंकि मुझे प्योर गोल्ड अच्छा नहीं लगता है। सो बट ये फॉर ए चेंज मैंने इसको ख़रीदी। इसका जो वेट है ये है एक्चुअली 4 ग्राम्स, ठीक है। सो इसका जो प्राइस है ये लगभग मुझे पे करना पड़ा इसका 25,000, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ मैंने खरीदी। सो की मैंने गोल्ड शॉपिंग थोड़ा सा, मुझे तो जब मैं कुछ भी खरीदती हूँ, छोटा सा भी कुछ चीज़ें खरीदती हूँ तो मेरा मन बहुत खुश हो जाती है। सो सोचा जब ये दो सेट आप लोगों को दिखाने का था, ये वाला सेट मैंने उससे पहले ख़रीदा जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, उसके बाद मैंने ख़रीदा ये वाला जो मंगलसूत्र का लकेट, जो सेंटर लकेट है उसको, और उसके बाद मैंने ख़रीदी ये वाला पेंडेंट। ये दोनों चीज़ को मैंने खरीदी, खरीद के बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरा एक अंदर से आता है कि पैसा कुछ जमा के रखो और जब पैसा कुछ हो जाएगा आपके पास उसको जाके गोल्ड में इन्वेस्ट करो। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चीज़ों का मैंने शौक़ है, जैसे मुझे आउटफिट में भी बहुत शौक़ है, बट आउटफिट से ज़्यादा आप पूछोगे तो मुझे ज़्यादा शौक़ है गोल्ड खरीदना। ये छोटा सा भी हो, एक सेकेंड स्टॉक भी हो, मेरे पास कुछ पैसा बचता है तो मैं पहले प्रीफर करती हूँ उसका ख़रीदना। सो आज मेरे मुँह से ज़्यादा जोश नहीं निकलता है, मेरे अंदर से, मुंह से नहीं अंदर से, सो आवाज़ इतना ज़ोर से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा धीमा लग रहा है, थोड़ा सा लेजी लग रहा है, काम करने के लिए इतना एनर्जी भी नहीं है। सो इसलिए आज का जो वीडियो है उसका मेन था मेरा गोल्ड शॉपिंग। मेरा गोल्ड शॉपिंग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगा डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो जब मैं मेरे चैनल में कोई भी वीडियो शेयर करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग इसको देखेंगे, लास्ट तक ज़रूर देखना, एक लाइक तो बनता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।